फरंगी एक्सप्रेस वे भ्रष्टाचार की बेल चढ़ रहे हैं, इसकी पोल बारिश ने खोल कर रख दी है। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना 25 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जगह जगह से धसकने लगा है। जरा तस्वीरें देखिए। करोड़ों की लागत से बने एक्सप्रेस वे आज उसका हालात यह है कि पहले बारिश में वो धसक गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नजारा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे पूरा फंसा हुआ है। यहाँ पे ये निरीक्षण के लिए विकास उपाध्याय स्थानीय विधायक पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पे जायजा ले रहे हैं। और आप कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि एक्सप्रेस वे किस तरह से फटा हुआ है। और अभी हाल में ही कुछ दिन कल शाम को ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत जान मान का हानि तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत आगे घटना हो सकती है। यहाँ पे हमारे साथ विकास उपाध्याय विधायक हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आप यहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, क्या मामला मिला आपको? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया गया, गुणवत्ता पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। रोड में दरारें पड़ गई, अभी तो ये रोड चालू भी नहीं हुई और कल एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी पलट गई। एक दंपत्ति थी, कोई गाड़ी पीछे से नहीं आ रही थी, कोई गाड़ी सामने से नहीं आ रही थी, एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चल रही थी और गाड़ी पलटी, वो गाड़ी पुल के उस पार भी जा सकती थी। भौतिक निरीक्षण करने के लिए हम तमाम साथी यहाँ पर आए हैं और एक रिपोर्ट बनाकर हम लोग पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को, सीएम साहब को भी हम लोग देंगे और हम लोग थाने में भी संबंधित अधिकारी, डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग, एजेंसी, ठेकेदार और जो संबंधित इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, उन सबके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे। जांच और रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तब तक ये जो एक्सप्रेसवे में आवागमन जारी है, कभी कुछ हादसा हो जाएगा जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपके ओर से इसको बंद कराने की कोशिश की? इस पूरे एक्सप्रेस हाईवे पर क्योंकि रोड बन गई और इसको इसीलिए अभी तक इसका भूमि पूजन नहीं किया गया, इसकी शुरुआत नहीं की गई क्योंकि इसका शुभारंभ नहीं किया गया, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जिसको हम लोग शुरू से चिल्ला रहे हैं, जब इसके बनने की शुरुआत हुई तब से। तो अभी आपने सुना विधायक विकास उपाध्याय जी को, जिनका कहना है कि एक प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, जिसपे रिपोर्ट बनाकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जो एक्सप्रेस वे है प्रारंभ से ही विवाद में रहा है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाई गई है। जो इस सरकार, इसको पीछे की सरकार इसको बनवाई है, उसके बावजूद इसका आज तक लोकार्पण नहीं हो सका है। हालांकि वे काम दिखाने के लिए कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता लोग यहाँ आके इसका लोकार्पण किए थे, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार करोड़ों में बना हुआ है, जो जनता के पैसे जिसका दुरुपयोग किया हुआ है, साफ साफ इसके नजरिए देखा जा सकता है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।